तो जी जनाब अभी देख सकते हैं हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है 8:30 पे। अभी तकरीबन कोई 9:15 हो चुके हैं, 9:15, 9:20 हो चुके हैं। अभी तक कोई टीचर नहीं आया, यहाँ तक कि कॉलेज की दरवाज़ों को अभी तक लॉक लगे हुए। और ये सारे आप देख रही हैं सरकारी महकमों के हालात है, जो जो जिस तरह की ट्रीट किया जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स को बैड बकरिया समझा जाता है। अभी इतना ज़्यादा धुंध है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा धुंध है। इस धुंध में आप इतने दूर से आइए, कितने कितने 36-36 किलोमीटर पार करके आए, इधर आए तो इधर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। ये देखिए आप सारे रूम दरवाजों को ताले लगे हुए, ये देखिए ये देखिए हम सारे दरवाजों को ताले लगे हुए और कोई नहीं है, कोई टीचर नहीं है, टीचर आ ही नहीं रहा। अगर हम दोनों में 36-36 किलोमीटर दूर आ सकते हैं तो टीचर अपने अपने रूम से इधर हॉस्टल में जो रहता है उधर रूम से इधर कॉलेज में पढ़ाने नहीं आ सकता। तो ये आप ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। अभी हमारे हुकूमत और हमारे मुल्क के हालात हैं, इस पर आप गौर करिए। ये देखिए वो सारे रूम थी, सारे डोर ला गए। ये स्टूडेंट्स हैं अभी और ये अभी पढ़ नहीं रहे क्योंकि पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। तो ये हमारे हालात हैं। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो हम हक आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ लेंगे तो दूर की बात क्या, हम अपने मतलब अपना बात भी सही तरह कर नहीं सकते। तो ये गाइस अभी देख सकते हैं 9:20 हो चुके हैं, 9:19 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई टीचर नहीं आया, अभी तक टीचर कोई नहीं आया। और हम इतने धुंध में सिर्फ एक ही पीरियड के लिए इतने दूर से आए हैं, अपने हॉस्टल से आए हैं, सुबह सवेरे आए, कोई टीचर है ही नहीं। 9:30, 9:15 हो गए, अभी तक कोई नहीं आ रहा, ये देख ले। और जब बाद में कोई घंटे बाद टीचर आते तो क्या कहते हैं कि जूते उतार के अंदर आ जाओ, ये इसका हालत है। ये कहते हैं जूते उतार के क्लास में आना है। तो ये मतलब ऐसे अगर हम क्लासों में भी क्लासों के लिए भी जूते उतारेंगे तो हम खाक आगे बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बग़ैर जूतों के सबको बिठाया हुआ है, इतनी ठंड है, ये देखे इतनी ठंड है, पैर मतलब जाम हो गए। ये लोग कहते हैं बग़ैर जूतों के नहीं आना।